नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। पूरनपुर मंडी समिति में डीएम पुलकित खरे व एसपी किरीट सिंह राठौर द्वारा निरीक्षण किया गया। किसानों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया और सेंटर इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि आने वाले किसानों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। पूरनपुर से मोइन खान की रिपोर्ट। जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से जल प्रवाह बढ़ने की वजह से ये पॉन्टिंग पुल जो बना हुआ था, जो शारदा पार के इलाकों को जोड़ता था, वो बह गया है। हमारी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर तो पूरी टीम लगातार मौके पर बनी हुई है और पूरा प्रयास करा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके। अब आज जैसे बारिश रुक गई है, धूप भी निकली है, फिर पूरा प्रयास करा जा रहा है कि उसको वापस रिस्टोर करा जाए, जिससे जो आवागमन बाधित हुआ है वो वापस रिस्टोर न बदल सके। आज लॉकडाउन का मौका माना चाहिए, क्या देखा आपने पूरनपुर में? आज पूरनपुर कस्बे का जो कोरोना कर्फ्यू लगा है उसका मुआयना करा गया। सभी अधिकारी जो मेरे साथ इस मुआयने में रहे, खासकर ये देखा गया कि जो लोग बिना किसी आवश्यक कार्य के बाहर घूम रहे हैं, उनको समझाया गया कि इस समय अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दुकानों के लाइसेंसेस चेक करे गए, जो ड्रग्स की दुकानें खुली हुई थी, दवाइयों की दुकानें खुली हुई थी, कुछ दुकानों जो दवाइयां नहीं रखी थी उसके बाद भी खुली हुई थी, उनको सील कराया गया, जुर्माना लगाया गया। प्रयास यही करा गया कि लोगों को ये समझ में आए कि इस कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन करें, पुलिस प्रशासन का साथ दें और इस समय जो हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, यदि आवश्यक ना हो तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। मंडी में देखा आपने, दो तीन दिन से बरसात भी लगातार हो रही है और कुछ किसानों का कहना है कि कई दिन से यहाँ पे कड़े हुए, क्या कहना है, क्या कार्रवाई की है? आज पूरनपुर मंडी में भी आके इस बात का जायजा लिया गया, क्योंकि पिछले दो दिन से बरसात हो रही थी, कि हमारे किसान भाइयों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो किसान यहाँ पे है, अपना गेहूं ले आया है और वो सेंटर इंचार्ज की लापरवाही की वजह से गीला होता है या खराब होता है, तो पूरी तरह से सेंटर इंचार्ज उसके लिए जवाबदेह होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।